हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है जेल में बंद पूस आज खुद को यहाँ से निकालने की कोशिश करता है, जो एक सोए हुए अपराधी से इसका रिंग चुराता है और अपनी तलवार लेकर बिल्ली को गुड बाय कहकर यहाँ से जाने लगता है। तभी अपराधी जग जाता है और पूस पर हमला करने लगता है। पूस इससे बचकर तो निकल जाता है, पर इससे पहले बेटा पूस जूते चप्पल से मार खाता है और पूस यहाँ से भाग कर सीधा पास के एक गाँव में जाता है, जहाँ आज रात इस बस्ती में जोर पार्टी होती है। पूस रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और अपराधी का रिंग देने के बदले एक गिलास दूध मांगता है, जिसे यहाँ के सभी लोग इसे देखकर इसका मजाक उड़ाते हैं। पर जूते में कानून से भागा एक भगोड़ा पूस अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाने की कोशिश कर रहा है। तभी यहाँ एक आदमी इसे बताता है कि हत्यारे डाकू युगल जैक और जिल के पास जादू की फलिया है, जो लंबे समय से अपने पास रखा है। जादू की फलिया उपयोग करने पर इसे एक विशाल महल में ले जा सकती है, जहां इस महल के अंदर जादुई हंस द्वारा मूल्यवान सुनहरे अंडे रखने के लिए जाना जाता है। जब पूस अपने ठिकाने पर जादू की फलिया चुराने का प्रयास करता है, तो किटी सॉफ्ट पॉज नाम की एक बिल्ली बीच में आ जाती है। पूस से पहले जादू की फलिया लूटने की कोशिश करती है, पर पूस इसे रोकता है और इसे बातें करता है। किटी इससे नहीं डरती और इशारे से पूस को जान से मारने की धमकी देती है। तभी जैक और जिल इन दोनों को देख लेते हैं और दोनों पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे किटी पहले भाग जाती है, पर पूस इससे खुद को बचाते हुए किटी का पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए पूस किटी के हवेली में पहुंच जाता है। यहां पहुंचने पर बिल्लियों की फौज दिखाई पड़ती है, जिसे किटी पूस को डांस करने की चुनौती देती है। पूस इस चुनौती को स्वीकार करता है और अपने जूतों में सभी के सामने अपने डांस का जलवा दिखाने लगता है। इसी दौरान दोनों में लड़ाई भी शुरू हो जाती है। तभी पूस किटी को गिटार से मारता है, जिससे किटी इससे नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। फिर पूस इसके पीछे जाता है, जो कई साल पुराना इसका दोस्त हम्प्टी एलेक्जेंडर यहाँ दिखाई देता है। पूस इसे देखकर बहुत दुखी होता है और धोखा देने के बारे में दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। फिर पूस को पता चलता है कि किटी को मेरे पास भेजना हम्प्टी एलेक्जेंडर की यह एक चाल थी, ताकि फिर से हम एक साथ पार्टनर बन जाए और जादुई फलिया को चुराने में मेरी मदद करे। हम्प्टी के बहुत मनाने के बाद भी पूस किसी का साथ नहीं देता है और यहाँ से चला जाता है। किटी पूस को मनाने के लिए इससे प्यारी बातें करती है। फिर पूस किटी को शुरू से अपनी कहानी बताता है। बहुत साल पहले जब अनाथ पूस को एमेल्डा इसकी माँ बनकर इसका पालन पोषण करती है, तो हम्प्टी भी इस अनाथालय में पल रहा होता है। जैसे जैसे समय बीतता है, दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। हम्प्टी बचपन से जादुई बींस के तलाश में रहता था, जो इसकी दोस्ती होने की वजह से हम्प्टी को अब जादुई बींस चुराना एक मकसद बन जाता है और पूस जादुई बींस को चुराने में इसकी मदद करता था। पर इमेल्डा और गांव के सारे लोग पूस को अपना हीरो समझते थे, जिससे हम्प्टी को अच्छा नहीं लगता था। एक रात हम्प्टी धोखे से पूस से मदद लेकर गांव के सारे पैसे चुरा लेता है, जिससे सभी को लगता है यह चोरी पूस ही किया था। पर हम्प्टी पूस को बदनाम करने के लिए ऐसा करता है, ताकि मैं इस गाँव का सारा पैसा लेकर यहाँ से चला जाऊं और जिंदगी भर की बदनामी पूस को झेलना पड़े। और इस तरह पूस हम्प्टी के कारण इस गांव के मसीहा से चोर बन जाता है। नाराज पूस किटी को हम्प्टी की सारी कहानी बताता है। तभी हम्प्टी यहां आता है और पूस से माफी मांगने के बाद अपनी दोस्ती को फिर से आगे बढ़ाने के लिए पूस को समझाता है, जिससे पूस इसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अपने गाँव का सम्मान वापस पाने के लिए जादुई बींस को चुराने जाता है। किटी और पूस सीधा जैक और जिल के गाड़ी के पास पहुंचते हैं। इधर हम्प्टी भी इसकी मदद के लिए तैयार होता है। किटी और पूस जादुई बींस को चुराकर जैसे ही यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तभी जैक और जिल इन दोनों को पकड़ लेते हैं। फिर किटी और पूस, जैक और जिल दोनों में जादुई बींस के लिए लड़ाई होती है, पर अंत में हम्प्टी की मदद से किटी और पूस जादुई बींस को चुराकर यहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। जो रास्ते में हम्प्टी जादुई बींस को कहाँ लगाना है इसकी तलाश करता है, तभी पूस के द्वारा जादुई बींस को बोने के बाद पहले तो एक छोटा सा पौधा निकलता है, फिर देखते ही देखते यह पौधा एक विशाल पेड़ में बदल जाता है।
जिससे तीनों इस पेड़ के सहारे आसमान के छत पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर हम्पटी सोने के अंडे की तलाश में जुट जाता है। बहुत मुश्किलों के बाद इन तीनों को कुछ दूर बहुत सारे सोने के अंडे दिखाई देते हैं। हम्पटी इसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और सोने के अंडे को उठाने की कोशिश करता है, पर बहुत भारी होने के कारण इन तीनों से यह अंडा नहीं उठता है। तभी यह सभी सोने के अंडे देने वाली हंस को देखते हैं। किटी कहती है, क्यों ना हम अंडे ले जाने से अच्छा हंस को ही ले जाएं। फिर तीनों मिलकर हंस को यहाँ से लेकर भागने की कोशिश करते हैं, जिससे सभी लोग रस्सी टूटने की वजह से पानी में गिर जाते हैं। हम्पटी हंस को बचाते हुए सभी लोग पानी के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं, जो गिरते हुए विशाल पेड़ के पत्ते के सहारा लेते हैं। इधर जैक और जिल विशाल पेड़ को गिरने के बाद पूस और किटी को ढूंढने के लिए इसी पेड़ के सहारे निकल जाते हैं। इधर पूस, किटी और हम्पटी अमीर होने के बाद जश्न मनाते हैं। फिर रात होने पर सभी लोग सो जाते हैं। तभी जैक और जिल यहाँ आते हैं और सबको बेहोश करके यहाँ से सभी को लेकर चले जाते हैं, लेकिन पूस यहीं रहता है और सुबह जागते ही पूस जैक और जिल के पीछे निकल पड़ता है। यहाँ पहुँचने पर पूस को पता चलता है कि सभी लोग आपस में मिले हुए हैं। हम्पटी ऐसा इसलिए करता है ताकि पूस को धोखा देकर इस गांव का हमेशा के लिए मैं हीरो बन जाऊं और गांव के नजर में पूस एक अपराधी बन जाए। हम्पटी पूस का विश्वास फिर से तोड़ देता है। किटी भी हम्पटी के प्लान में शामिल होती है। सिपाहियों द्वारा पूस को जेल ले जाया जाता है, जिससे किटी इसे देखकर थोड़ा दुखी हो जाती है। पूस से सभी हथियार छीन लिए जाते हैं और इसे जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल के अंदर पूस को एक बुढ़ा मिलता है, जो इसे बताता है कि हम्पटी के कारण पूरा गांव तबाह हो जाएगा, क्योंकि सोने के अंडे देने वाली हंस अपने बच्चे को बचाने आने वाली है। यह बात सुनकर पूस यहां से भागने की कोशिश करता है, पर सिपाही इसकी चाल को जान लेता है और फिर से इसे जेल के अंदर बंद कर देता है। तभी किटी यहां आती है और पूस को इस जेल से भगाने में इसकी मदद करती है, ताकि पूस इस धोखे के लिए मुझे माफ कर सके। पूस किटी को माफ कर देता है और दोनों सिपाहियों से लड़ते हुए इस जेल से फरार हो जाते हैं। पूस सीधा हम्पटी के पास पहुंचता है, जो बहुत समझाने के बाद हम्पटी हंस के बच्चे को वापस इसकी माँ के पास पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर हंस की माँ ढूंढते हुए इस गांव में आती है और यहाँ आते ही लोगों के हाथ में सोने के अंडे को देखकर इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है, पर हंस अपने बच्चे को देखकर हम्पटी के पीछे जाने लगती है। हम्पटी पुल पार करने की कोशिश करता है, तभी हंस के भार से पुल टूट जाता है, जो पूस इन दोनों को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। अब इसकी चुनौती और बढ़ जाती है, दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है और इसे समझ नहीं आता, इसलिए हम्पटी पहले ही इसकी रस्सी छोड़ देता है, जिससे हंस के बच्चा नीचे गिरने लगता है। तभी पूस इसे बचा लेता है और मामा हंस अपने बच्चे को देखकर गले लगाती है। इधर हम्पटी अंडे से कुचल कर मर जाता है। पूस यह सब देखकर बहुत अफसोस करता है और हम्पटी को गुड बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। इस तरह मामा हंस से पूस इस गांव के सभी लोग को बचा लेता है। फिर पूस अपनी माँ इमेल्डा से मिलकर सिपाहियों से बचते हुए किटी के साथ यहाँ से भागने लगता है। पूस किटी से अपने प्यार का इजहार करता है। हम्पटी की आत्मा अपने सामान्य रूप में सुनहरे अंडे की पोशाक पहने हुए सुनहरे हंस के साथ माँ की पीठ पर नाचते हुए और इधर पूस और किटी एक साथ किस करते हुए दिखाई देते हैं और इस तरह कहानी खत्म हो जाती है। कहानी शुरू होती है डेलमार शहर में। शहर के लोगों के साथ गवर्नर के हवेली में पूस इन सभी के साथ नाच गाना और मजेदार पार्टी करता है। इस पार्टी की रौनक पूस की वजह से और बढ़ जाती है। नाच गाना करते समय गवर्नर अपनी हवेली में पहुंचता है। पूस आज अपनी टोपी और जूतों में प्रसिद्ध नायक लग रहा है। गवर्नर को देखते ही सभी लोग शांत हो जाते हैं, पर पूस इसे देख कर नहीं डरता और नाच गाना शुरू करने के लिए कहता है। तभी गवर्नर गुस्से में इसे पकड़ने के लिए अपने सिपाहियों को आगे भेजता है। भाग दौड़ करने के चक्कर में पूस जूतों में डाकू खड़ा एक सोते हुए राक्षस को नाराज कर देता है। इधर पूस गवर्नर के सिपाहियों से बचने की कोशिश करता है, तभी डाकू खड़ा यहाँ पहुंच जाता है। पूस इससे लड़ने की कोशिश करने लगता है। गांव वाले डाकू खड़ा से पूस को लड़ते हुए देखकर इसके लिए तालियां बजाते हैं और खुशी मनाते हैं, क्योंकि इस डाकू खड़ा को बड़ी घंटी से इसके गले को बांध देता है और सभी लोग की जान बचा लेता है। फिर इसे जमीन पर पटक देता है, तभी डाकू खड़ा की मौत हो जाती है।
जाती है। डाकू खरा को हराने के बाद पुष एक घंटी से कुचल जाता है। फिर एक अस्पताल में जागते हुए पुष को एक डॉक्टर के द्वारा पता चलता है कि अपने 9 में से 8 जीवन को बर्बाद कर लिया है और इसे सुझाव देता है कि तुम अब इस रोमांच से दूर हो जाओ क्योंकि तुम्हारी अब एक ही जान बाकी है, अगर इस बार मरे तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। पुष इसकी बातों पर हंसता है और कहता है मैं कभी मर नहीं सकता, मैं पुष इन बूट्स हूँ। पुष यहाँ से भागकर एक दुकान में पहुँचता है जहाँ इसे काले हुड वाले भेड़िए से मुलाकात होती है और इसे वह भविष्य दिखाता है कि तुम अब मारे जाओगे। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। पुष इसे लड़ने की बहुत कोशिश करता है पर हमेशा हार जाता है। अंत में एक कमरे में बंद हो जाता है। फिर यहाँ से भाग कर लूना के घर के रास्ते पर निकल पड़ता है। लूना के घर पहुँचते ही अपनी पोशाक को इसके घर के सामने दफन कर देता है और खुद से वादा करता है आज के बाद कोई लड़ाई नहीं। फिर लूना का दरवाजा खटखटाता है। बिलियों की मामा लूना इसे अपनी गोद में उठाती है और अपने घर के अंदर लेकर चली जाती है। घर के अंदर आते ही पुष देखता है यहाँ तो बहुत सारी बिल्लियों की फौज है और सभी बिल्लियाँ अनाथ होती है। बिल्ली की माँ लूना पुष को नहलाती है और यहाँ के तौर तरीके सिखाती है। जैसे जैसे समय बीतता है लूना के घर में एक छोटा कुत्ता भी होता है जिसका नाम पेरिटो है। पेरिटो और पुष में दोस्ती हो जाती है। पेरिटो एक चलाक कुत्ता होता है। फिर इधर गोल्टी और इसके तीनों भालू पुष की तलाश में घूम रहे होते हैं। तभी यह सभी परिवार लूना के घर में पुष को ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाते हैं केवल पुष की कब्र खोजने के लिए। तभी गोल्टी और इसके तीनों भालू पुष की कब्र के पास पहुँचते हैं। तभी पुष एक पेड़ के पास खड़े होकर इनकी बातें सुनने की कोशिश करता है। फिर पता चलता है विशिंग स्टार एक जादुई गिरा हुआ सितारा जो किसी भी एक इच्छा को पूरा कर सकता है, जिसका नक्शा आज रात जैक हॉर्नर को दिया जा रहा है जो जादुई कलाकृतियों की एक बुरी जगहों में से एक है। पुष यह सभी बातें सुन लेता है। पुष अपने खोए हुए जीवन को वापस लाने के लिए एक मौके के रूप में देखता है और पुष इस नक्शा को चुराने के लिए जैक हॉर्नर की बेकरी में पहुंच जाता है। जैक एक बहुत ही खतरनाक जादूगर होता है। मौका पाते ही पुष तिजोरी से नक्शा को चुराने की कोशिश करता है। तभी इसकी पुरानी गर्लफ्रेंड किटी पहले से ही इस तिजोरी में रहती है। किटी इससे पिछली घटना के लिए अभी तक नाराज रहती है। तभी गोल्टी और इसके तीनों भालू यहाँ पहुँचते हैं। इधर जैक हॉर्नर यह सब देख कर गुस्से में आग बबूला हो जाता है। अब सभी इन नक्शे के लिए आपस में लड़ने लगते हैं और पुष को पकड़ने की कोशिश करता है। पुष और किटी दोनों की मदद करने पेरिटो यहाँ पहुँचता है और किसी भी तरह यहाँ से नक्शे को लेकर भागने में यह सभी सफल हो जाते हैं। भागते समय पुष फिर से उस हुड वाले भेड़ियों को अपनी यादों में देखता है जो दिखाता है इसकी मौत आने वाली है और नक्शे की खोज में भागते हुए पुष की ओर निकल पड़ता है। बीच रास्ते में जैक और गोल्टी दोनों में लड़ाई होती है। लड़ाई में गोल्टी रास्ते से भटक जाती है। इधर नक्शा इन तीनों को डार्क फॉरेस्टर की ओर ले जाता है। फिर तीनों डार्क फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं। यहाँ पहुँचते ही एक खूबसूरत दुनिया दिखाई देती है जो तीनों इस धरती की खूबसूरती में खो जाते हैं। फिर नक्शे में अपनी अपनी इच्छाओं को देखते हैं जिसमें पुष और किटी को आगे जाने का रास्ता बहुत कठिन दिखाई पड़ता है पर वही पेरिटो का रास्ता बहुत शांत मिलता है। फिर तीनों नक्शा को लेकर पेरिटो की इच्छाओं के रास्ते निकल पड़ते हैं जहाँ इसे रास्ते में कांटों से भरा खतरनाक गुलाब का सामना करना पड़ता है। पेरिटो इन फूलों के साथ बड़े ही प्यार से पेश आता है इसलिए फूल इसे जाने के लिए आगे का रास्ता दिखाता है पर किटी और पुष दोनों को इन खतरनाक फूलों से लड़ाई का सामना करना पड़ता है। पेरिटो इन दोनों को फूलों के साथ प्यार से पेश आने के लिए कहता है और फिर सभी को रास्ता मिल जाता है। तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। इस नक्शे के बारे में सभी आपस में बातें करते हैं। तभी इधर जैक हॉर्नर इसी रास्ते पहुंचता है। सभी फूल इसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं और इसके सिपाहियों को फूल अपने दांतों से चबाने लगते हैं। फिर जैक हॉर्नर अपनी जादुई हथियारों की मदद से सभी फूलों को जला देता है और आगे बढ़ने लगता है। इधर पेरिटो इन दोनों को छोड़कर जंगल में जाने लगता है। पुष और किटी पेरिटो के पीछे जाने लगते हैं। तभी जैक हॉर्नर पेरिटो को पकड़ लेता है। किटी पेरिटो को बचाने की कोशिश करने लगती है। इधर पुष नक्शा को बचाने की कोशिश करता है। इन दोनों की लड़ाई में गोल्टी भी अपने तीनों भालू के साथ यहाँ आ पहुँचती है और सभी नक्शे के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। किटी पेरिटो को बचा लेती है पर नक्शा को नहीं बचा पाती। पुष को लड़ाई करते हुए भेड़िया की आवाज़ सुनाई देता है जिसे डरकर जंगल की ओर भागने लगता है और पेरिटो भी इसकी टोपी लेकर इसके पीछे भागती है। गोल्टी नक्शा को ले लेती है और नक्शा में देखते ही गोल्टी को भागने का रास्ता मिल जाता है। किटी नक्शा को खोने के बाद पुष पर बहुत गुस्सा करती है। इधर पेरिटो हालत ठीक करने में इसकी मदद करती है और पुष इसे बताता है मेरे पीछे एक भेड़िया पड़ा है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। किटी पुष की सारी बातें सुन लेती है और इसके सामने अनजान बनने की कोशिश करती है। इधर गोल्टी नक्शा में स्टार को ढूंढते हुए सभी एक कुटिया में पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचते ही गोल्टी को प्यारा
सा एक विजन दिखाई देता है जिसे वह जादुई किताब को लेकर सपनों की दुनिया में अपने भालू के साथ खेल रही होती है। कुछ समय बिताने के बाद सभी लोग इस कुटिया में सो जाते हैं। इधर किटी और पूस तीनों इस कुटिया को ढूंढ लेते हैं और नक्शा को चुराने के लिए फिर से आगे बढ़ते हैं। जैक अपने जादुई शक्ति से किटी और पूस की जगह खोज लेता है और उसके पीछे निकल पड़ता है। पूस नक्शा चुराने की कोशिश करता है। नक्शा लेकर जैसे ही भाग रहा होता है तीनों भालू और गोल्टी इसे देख लेते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर किटी नक्शा में अपना विजन देखती है, इस जगह की हुलिया ही बदल देती है और गोल्टी अपनी छड़ी से नक्शा को कुछ दूर फेंक देती है। दोनों में नक्शे के लिए खूब झगड़ा होता है। तभी पूछ नक्शा लेकर अपना विजन देखता है और नक्शे से दो पहाड़ जन्म लेता है जो पेरिटो गोल्टी के पास चला जाता है। पूछ और किटी दोनों एक साथ हो जाते हैं। फिर पूछ नक्शा को देखता है। इस बार पूछ क्रिस्टल के दीवारों में बंद हो जाता है। इधर किटी पेरिटो को गोल्टी के परिवार से बचाने आती है, पर देखती है पेरिटो को फंदे के बीच रखा गया है ताकि इसे कोई भी बचाने आए तो वह इस फंदे में फंस जाए। इधर पूछ को क्रिस्टल में अपना नौ अवतार दिखाई देता है जिसे देखकर पहले तो घबरा जाता है, फिर इन सभी से बातें करने लगता है। तभी भेड़िया यहाँ आ पहुँचता है और इसके सभी अवतारों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। पूछ डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है। भेड़िया नक्शा लेने की कोशिश करता है पर पूछ किसी भी तरह बचकर यहाँ से निकल जाता है। इसको भागते हुए देखकर किटी इसे अपनी तरफ बुलाती है पर पूछ डर कर भागता ही चला जाता है। पूछ भागते भागते क्रिस्टल से बने स्टार के पास पहुँच जाता है। कुछ समय बाद किटी और पेरिटो भी यहाँ पहुँच जाते हैं। दोनों में नक्शे के लिए बातें होती है। पूछ फिर से किटी का विश्वास तोड़ देता है और किटी इसकी हालत पर छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए जाने लगती है। तभी जैक और गोल्टी का परिवार यहाँ पहुँच जाते हैं। पूछ और किटी को चारों तरफ से घेर लेता है और अपने अपने हथियार लेकर नक्शे के लिए इन पर हमला करना शुरू कर देता है। क्रिस्टल स्टार ऊपर उठने लगता है। तभी नक्शा उड़कर गोल्टी के पास चला जाता है। इधर जैक भालू के बच्चे को अपनी जादुई हथियार से उसे भस्म करने की कोशिश करता है। फिर गोल्टी नक्शा को छोड़कर अपने परिवार को बचाना ज्यादा जरूरी समझती है। इधर किटी जैक से नक्शा लेने की कोशिश करती है। दोनों में खूब लड़ाई होता है और अंत में किटी जैक को उसी के जादुई बैग में इसे बंद कर देती है। नक्शा अब पूछ के पास होता है। पूछ नक्शे में देखता है। तभी भेड़िया यहाँ आ पहुँचता है और पूछ को अपने साथ लड़ने की चुनौती देता है, पर इस बार पूछ अपने डर का सामना करता है और भेड़िया से लड़ाई करना शुरू कर देता है। दोनों में दमदार लड़ाई होती है। इस बार भेड़िया को हरा देता है और भेड़िया फिर यहाँ से वापस चला जाता है। तभी किटी इससे बातें कर रही होती है कि जादुई बैग आता है और जैक हॉर्नर इस बैग से निकल कर नक्शा छीन लेता है। पेरिटो अपनी बातों में इसे फंसाने की कोशिश करता है। इधर किटी और पूछ जैक पर दोनों हमला करते हैं और जैक से नक्शा लेकर गोल्टी और पूछ सभी मिलकर इसे फाड़ देते हैं। नक्शा फटते ही क्रिस्टल स्टार टूटने लगता है। इधर किटी पूछ और गोल्टी के परिवार यहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाते हैं और जैक इसी क्रिस्टल में दफन हो जाता है और फिर सभी एक दूसरे से अपना प्यार जताते हैं। गोल्टी अपना परिवार लेकर यहाँ से चली जाती है और इधर पूछ और किटी पेरिटो के साथ आकाश में उन तारों को देखते हैं। पूछ किटी के लिए अपने प्यार को फिर से जगाता है और इस बार इसके साथ अपना अंतिम जीवन बिताना चाहता है। साथ में पूछ किटी और पेरिटो एक जहाज की कमान संभालते हैं और कुछ पुराने दोस्तों से मिलने के लिए फोर फार अवे के राज्य की ओर निकल जाते हैं और कहानी खत्म हो जाती है।